खंडहर हवेली कब्रिस्तान ये सब मेरे घर, डरना मुझसे क्योंकि लोग कहते हैं मुझे देव सर। हा 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 हा, छोटे बच्चे इस वीडियो से दूर रहें, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, और है हिम्मत तो आओ कभी हवेली में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम स्केरी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। डरावने शब्द, हॉरर शब्द, कई ऐसे हम मूवीज देखते हैं या हम कोई स्टोरीज पढ़ते हैं जो हॉरर बेस्ड रहता है, और कई शब्दों की मीनिंग हमको नहीं पता होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे शब्दों को जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। Good communication, Dev classes. Confident personality, Dev classes. Overall personality development के लिए join कीजिए Dev Spoken English. New Civic Center, Bhilai. So welcome friends. देखिए, तो पहला शब्द आपके स्क्रीन पर आ रहा है डरावना। तो डरावना को हम इंग्लिश में बोलते हैं scary। क्या बोलते हैं? Scary. Scary यानी डरावना, या horror भी हम बोल सकते हैं। Scary यानी डरावना, डरावना यानी scary. तो अगला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है भूत। तो भूत को हम इंग्लिश में बोलते हैं Ghost. याद रखना, इसमें एच साइलेंट होता है, गोस्ट कहा जाता है, गोस्ट। तो गोस्ट याने भूत, भूत याने गोस्ट। अगला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है पिशाच। पिशाच, पिशाच को बोलते हैं वैम्पायर। वैम्पायर याने पिशाच, जो खून पीता है, वैम्पायर। वैम्पायर याने पिशाच, पिशाच याने वैम्पायर, वैम्पायर याने पिशाच। चलिए अगला शब्द देखिए चुड़ैल। चुड़ैल को हम क्या बोलते हैं? विच, ठीक है ना। चुड़ैल याने विच, विच याने चुड़ैल, चुड़ैल याने विच, ठीक है। अगला शब्द देखिए जादू टोना। जादू टोना को विच क्राफ्ट कहा जाता है, जादू टोना, विच क्राफ्ट, विच क्राफ्ट याने जादू टोना। आपको दोनों तरीके से याद करना, हिंदी का इंग्लिश मीनिंग और इंग्लिश का हिंदी मीनिंग। तो जादू टोना विच क्राफ्ट। अगला शब्द देखिए डायन। डायन को बोला जाता है हैग। क्या कहा जाता है? हैग, हैग याने डायन, डायन याने हैग, हैग याने डायन। अगला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है सनसनी। सनसनी को क्या बोलते हैं? सेंसेशन, सेंसेशन याने सनसनी, सनसनी याने सेंसेशन, सेंसेशन सनसनी। अगला शब्द देखिए चंडाल। चंडाल को बोलते हैं हैगमैन, हैगमैन याने चंडाल, चंडाल याने हैगमैन, हैगमैन याने चंडाल, चंडाल हैगमैन कहलाता है। चलिए अगला शब्द देखिए बैगा। तो जो किसी के ऊपर भूत चढ़ जाता है तो बैगा के पास ले जाया जाता है, इसको कहा जाता है विच डॉक्टर, विच डॉक्टर, विच डॉक्टर बैगा। ये गांव वगैरह में मिलता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति। चलिए अगला है राक्षस। तो राक्षस को कहा जाता है डीमन, डीमन या मॉन्स्टर, मॉन्स्टर या डीमन को राक्षस कहा जाता है, असुर, डीमन, डीमन या मॉन्स्टर, मॉन्स्टर राक्षस, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं खौफनाक। खौफनाक को क्या बोलते हैं? क्रिपी, क्रिपी, खौफनाक, क्रिपी, क्रिपी याने खौफनाक, खौफनाक याने क्रिपी। अगला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है चीख। तो चीख को बोलते हैं स्क्रीम, स्क्रीम याने चीख, चीख याने स्क्रीम, स्क्रीम याने चीख। अगला शब्द देखिए स्क्रीन पर आ रहा है बलि। तो किसी का बलि देते हैं, किसी इंसान का इमोलेशन कहलाता है। वैसे जानवरों के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, इमोलेशन, बलि यानी इमोलेशन, बलि देना, इमोलेट, इमोलेट यानी बलि देना, और बलि यानी इमोलेशन, ये नाउन हो गया। अगला शब्द देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बुरी आत्मा। तो बुरी आत्मा को कहा जाता है विकिड, विकिड, क्या कहा जाता है? विकिड, उच्चारण करके देखिए विकिड, विकिड यानी बुरी आत्मा। तो बुरी आत्मा को विकीड कहा जाता है। चलिए अगला शब्द देखिए प्रेत। प्रेत को कहा जाता है स्प्राइट, ठीक है, स्प्राइट, कई लोग इसको स्प्रिट बोल देते हैं, ये स्प्राइट होता है। तो प्रेत, स्प्राइट, स्प्राइट याने प्रेत, वो स्प्राइट बुझाने वाला, वो क्या बोलते हैं, डर के आगे जीत वाला स्प्राइट नहीं है, ठीक है। तो अगला शब्द देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ताबीज। दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है कि बुरी आत्मा से बचने के लिए या भूत प्रेत ना चढ़े, तो बहुत सारे धर्म के लोग, खासकर हिंदू मुस्लिम में देखिए, वो ताबीज पहनते हैं। क्या कहलाता है इंग्लिश में? टालिस्मन, टालिस्मन, क्या कहलाता है? टालिस्मन, टालिस्मन यानी ताबीज। तो देखिए शैतान, शैतान यानी होता है डेविल, डेविल यानी शैतान, शैतान यानी डेविल, डेविल यानी शैतान, शैतान डेविल।
अगला शब्द देखिए, बुरी नजर। तो बुरी नजर को बोलते हैं एविल आई, एविल आई, बुरी नजर, एविल आई, एविल आई यानी बुरी नजर। अगला शब्द देखिए, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, जादू टोना भी आप बोल सकते हो, विचक्राफ्ट की तरह से ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक या जादू टोना इसके क्या है, ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। अगला देखिए, अंधविश्वास, अंधविश्वास को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ या सुपरस्टिशन भी कहा जाता है, अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन या ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अगला शब्द देखिए, प्रेत विद्या, नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी, प्रेत विद्या, नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी यानी प्रेत विद्या। अगला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मृत्यु का खौफ, मृत्यु का खौफ मतलब आप मरने वाले और उसके पहले जो खौफ बनता है उसको कहा जाता है मैकाब्रा, मैकाब्रा, स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, उच्चारण में ध्यान दीजिए, मैकाब्रा, मैकाब्रा, ठीक है, मृत्यु का खौफ। अगला शब्द देखिए, प्रेत विद्या से जीवित होने वाली लाश, कोई लाश को आप प्रेत विद्या से जीवित कर देते हो वही कहलाता है ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी। मूवीज वगैरह में भी आप देखोगे बहुत सारे डेड बॉडीज उठने लगते हैं धीरे धीरे से, उनके ऊपर जादू कर दिया जाता है, सारे लाश जिंदा हो जाते हैं, वो होता है ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी। अगला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पंछियों को डराने का पुतला। कई बार आप देखिए किसी खेत वगैरह में आप जाइए, पंछियों को भगाने के लिए कुछ उसमें एक पुतला टाइप से लगा दिया जाता है लकड़ी के ऊपर, मटका वगैरह रख के, क्या बोलते हैं उसको, काग भगोड़ा, तो इंग्लिश में उसको कहा जाता है हॉप गॉब्लिन, हॉप गॉब्लिन, हॉप गॉब्लिन मतलब पंछियों को डराने के लिए कोई आप एक पुतला लगा देते हैं, हॉप गॉब्लिन। अगला शब्द देखिए, विकराल, विकराल को कहा जाता है गास्टली, गास्टली, इसमें भी एच साइलेंट है, गास्टली, तो विकराल, गास्टली, गास्टली यानी विकराल। अगला शब्द देखिए, काल्पनिक, फैंटेसी, फैंटेसी मूवी बोलते हैं ना, काल्पनिक है, तो ये काल्पनिक को हम बोलते हैं फैंटेसी, फैंटेसी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक यानी फैंटेसी। चलिए अगला शब्द देखिए, भूतहा, हॉन्टेड, हॉन्टेड, भूतहा घर, हॉन्टेड हाउस, ठीक है, हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड सिटी भी कहा जाता है, यूके में एक ऐसा शहर है पूरा हॉन्टेड सिटी है, उस शहर में कोई नहीं बसता उसको भूतहा शहर कहा जाता है, तो भूतहा यानी हॉन्टेड, हॉन्टेड यानी भूतहा। चलिए अगला शब्द देखिए, दिल दहला देने वाला, हार्ट क्वैक, क्वैक यानी जो भूकंप आता है, अर्थ क्वैक है ना, अर्थ में जो क्वैक आता है, दिल पे जो भूकंप आ जाए, हार्ट क्वैक मतलब दिल दहला देने वाला, दिल की धड़कने बढ़ा देने वाला, हार्ट क्वैक, दिल दहला देने वाला, हार्ट क्वैक, हार्ट क्वैक, दिल दहला देने वाला। अगला शब्द देखिए, परिकल्पना, फिक्शन, फिक्शन बोलते ना ये, जैसे बहुत सारे स्टोरीज या नॉवेल लिखा जाता है फिक्शन के ऊपर रहता है, परिकल्पना अपने से कल्पना कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम कोई मूवीज या बुक लिखते हैं, फिक्शन कहलाता है। चलिए अगला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, शापित, शापित को बोला जाता है अकर्षट, अकर्षट यानी शापित या डैम्ड भी कहा जाता है, देखिए उच्चारण में ध्यान दीजिएगा, अकर्षट और डैम्ड, इसमें जो एन है वो साइलेंट है, डैमंड नहीं बोलते, डैम्ड या अकर्षट, अकर्षट या डैम्ड को शापित बोलते हैं, ये जगह शापित है, ठीक है, ये घर शापित है। चलिए अगला शब्द देखिए, कपकपी, कपकपी छूट जाती है, शिवरिंग, हाथ पैर कांपने लगते हैं डर के मारे, कप कंपन होने लगता है शरीर में, शिवरिंग कहलाता है, शिवरिंग यानी कपकपी, कपकपी यानी शिवरिंग। चलिए अगला शब्द देखिए, कंकाल, एस्केलेटन, एस्केलेटन यानी कंकाल, कंकाल यानी एस्केलेटन, एस्केलेटन कंकाल, कंकाल एस्केलेटन। अगला देखिए, अनहोनी, अनयूजुअल, तो अनहोनी या कोई अनयूजुअल इंसिडेंट बोलते हैं, अनहोनी घटना, अनयूजुअल, अनहोनी, कोई अनहोनी ना घट जाए, अनयूजुअल इंसिडेंट ना हो जाए, इस तरह से कहा जाता है। चलिए अगला शब्द देख रहे हैं, डरावना सपना, रात को डरावना सपना आता है उसको बोलते हैं नाइटमेयर्स, डरावना सपना, नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स डरावना सपना, डरावना सपना नाइटमेयर्स कहलाते हैं। तो होप सो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ डरावने या हॉरर वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी दे पाए, अगर आपको ये मेहनत अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक जरूर कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ प्लीज शेयर करना ना भूलें। और ये पार्ट वन है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं पार्ट टू और बनाऊंगा, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।